और खांसते वक्त मुंह पर हाथ क्यों नहीं रखा? एफआईए के अमले का मुसाफिर से गैर अखलाकी रवैया, पाकिस्तानी साइंसदान के खांसने पर उसका पासपोर्ट फाड़ दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एएसएफ से वाकये की फुटेज भी तलब कर ली। सिविल एविएशन की मुल्तान एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी साइंसदान से बदतमीजी। दो हफ्ते कबल एफआईए ने मुल्तान एयरपोर्ट पर उम्र से फैमिली के हमरा वापस आने वाले पाकिस्तानी साइंसदान के खांसने पर इनका पासपोर्ट फाड़ दिया था, जिस पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाकये का नोटिस ले लिया है। जराई सिविल एविएशन का कहना है कि वाकया 19 दिसंबर को मुल्तान एयरपोर्ट पर पेश आया था। नौजवान साइंसदान की खांसी को एफआईए अमले ने शान में गुस्ताखी समझा। दूसरी जानिब डॉक्टर फैसल ने मुल्तान एयरपोर्ट पर अपने साथ पेश आने वाले वाकये की वीडियो बनाई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में मुतासरा शख्स ने दावा किया है कि इमिग्रेशन अमले ने सिर्फ इस बात पर वीजे वाला सफा फाड़कर पासपोर्ट मुंह पर दे मारा कि मैंने खांसते वक्त मुंह पर हाथ क्यों नहीं रखा, जबकि मैं बुखार की हालत में था, इसलिए खांसी आई तो मुंह पर हाथ न रख सका। आई गॉट अ रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशन इन यूएसए एंड आई हैव टू मूव ऑन 27th ऑफ दिसंबर, बट माय पासपोर्ट पेज गॉट टॉर्न एंड दे आर नॉट taking any kind of blame on each other. They are not giving me back my passport with that page and they are not accepting the fault. Aur mujhe travel karna hai, mujhe nahi pata ki main kaise abhi ye travel karunga us phate hue passport ke saath.